मोहम्मद हनीफ की आज आपको हिस्ट्री बताने वाला हूँ। ये जो इतने सोशल मीडिया पे मशहूर हुए हैं, उन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि जिसकी वजह से इतने मशहूर हो गए। तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ कि उन्होंने 270 मिनट यानी कि 4.5 घंटों में 380 किलोमीटर मैंगलोर की दूरी को पार करने वाला ये शख्स, इसके बारे में आपको बता दूँ, इनका नाम मोहम्मद हनीफ है, जो कि रहने वाले कर्नाटक के हैं और एक ये मशहूर एम्बुलेंस ड्राइवर भी है। इन्होंने एक बीमार दिल के साथ पैदा हुए 40 दिन के बच्चे की जान बचाने के लिए ये रास्ता कवर किया है। इस 40 दिन के बच्चे को दोपहर 12 बजे मैंगलुरु के फादर मोलार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल FMMCH में से बेंगलुरु के जयदेव हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट में रवाना किया गया। जयदेव हॉस्पिटल में ले जाने के लिए जिनको एम्बुलेंस ड्राइवर चुना गया, मोहम्मद हनीफ को चुना गया, उन्होंने जो इंस्टीट्यूट है उनको पहले ही बता दिया था कि मैं इस रास्ते को कवर करने के लिए मुझे ज़ीरो ट्रैफिक चाहिए। और ज़ीरो ट्रैफिक होने के बाद पुलिस ने और आम जनता ने भी उनका बहुत सपोर्ट किया, उनको बहुत हौसला दिया और रास्ता क्लियर करते गए। उन्होंने 4 घंटों में 350 किलोमीटर के रास्ते को पार कर दिया और बच्ची को सही सलामत जयदेव हॉस्पिटल पहुंचा दिया। बंदे की बहादुरी के लिए लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।